सुपर मिसर 2। जी हाँ दोस्तों, चाइना सेट 11 सैटेलाइट का ये दूसरा एक नाम है। और दोस्तों ये सैटेलाइट आता है 98 डिग्री ईस्ट में, जैसे कि डीडी ब्रिटिश हो जाए 93.5 डिग्री ईस्ट में, उसको थोड़ा सा बाई की तरफ जाओ। अगर आप एशिया सेट 5 को ट्रैक करते हो 100 डिग्री ईस्ट में आता है, जहाँ पे आपका मदनी चैलेंज मिलता है। उसके थोड़ा सा डायनेक और जाते हो तो आपका 98 डिग्री सैटेलाइट का पोजीशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम वही दिखाएंगे क्या हम लोग उसी सैटेलाइट को ट्रैक कर पाते हैं, कितना चैनल मिलता है। वैसे दोस्तों चाइना सेट 11 में तो आपका लगभग 75 से भी ज्यादा चैनल यहाँ पे फ्री टू एयर मिलता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कैसे इसे ट्रैक किया जाता है, एक्चुअल में कि इंडिया में इसका कवरेज है या फिर नहीं है। तो इस चाइना सेट 11 के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों चलिए पहले देख लेते हैं डिश का पोजीशन कैसा होगा, एलईडी का पोजीशन कैसा होगा, कितना चैनल हम लोगों को मिलता है। अगर हम लोगों को ज्यादा चैनल नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों, सारे प्रॉब्लम का सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले एंटेना का तरफ जाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से बात करेंगे। दोस्तों ये देखो, ये 2 फुट का डिश है, आप तो देख ही सकते हो। इसी डिश में हम ट्राई करेंगे चाइना सेट 11 को, जो सुपर मेसेट 2 है उसी को ट्रैक करने के लिए। तो पहले हम डिश को यहाँ पे एशिया सेट 5 में सेट कर दिए थे, तो उसी समय मेरा देखो 71% सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे हमने मार्किंग भी कर दिए है, मार्क देख सकते हो आप, यहाँ पे 100 डिग्री ईस्ट में मार्किंग किया हुआ है। अभी हम आप लोगों के सामने इसका टीपी चेंज करेंगे, जैसे कि एकदम नीचे में देख रहे हो ये डीडी फिडिश का टीपी है। अभी डीडी फिडिश का टीपी में हम जा रहे हैं, तो डीडी फिडिश का टीपी हमने सिलेक्ट कर दिए। अभी डिश को थोड़ा सा घुमाएंगे, डायनेक और खींचेंगे, डिश के पीछे खड़े हैं हम इसलिए। तो देखो डिश का जो पॉइंटर है वो थोड़ा थोड़ा करके हम घुमा रहे, जैसे ये 95 जो हमने मार्किंग करके रखे वहाँ पे आ गया तो सिग्नल आ गया, देख सकते हो आप, देख सकते हो यहाँ पे भी डीडी फिडिश का बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है, 71% सिग्नल मिल रहा है। अब देखो फिर से हमने मदनी चैनल जहाँ पे मिलता है एशिया सेट 5 वहाँ पे सेट कर दिए, ताकि हम आप लोगों को अच्छी तरह समझा सके। ये देखो फिर से हम डिश को घुमा दे रहे हैं वो एशिया सेट 5 में, तो जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आ गया देख सकते हो बाई की तरफ टीवी में सिग्नल आ गया मेरा, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिश को डायनेक और खींचेंगे, ताकि हमें दूसरा जो टीपी बीच में जो हमने टीपी रखे ये सारे के सारे इसका बीच में जो आता है, जैसे कि हम डिसर्ट 9 है उसका भी टीपी है इसमें, आप जैसे पेस फेडिस बोलते हो उसका भी टीपी है और चाइना सेट का भी टीपी है। तो यहाँ पे देखो हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ये बीच में एक मार्किंग है, ठीक है, ये बीच में आना चाहिए आपका 98 डिग्री ईस्ट। तो हमने जो टीपी डाला है इसका स्ट्रॉन्ग वाला टीपी जो है उसी को हम यहाँ पे अभी सेट कर दे रहे हैं। ये देखो ये नीचे भी हमने मार्किंग कर दिए है ये टीपी, तो जैसे हम इसको थोड़ा सा डायनेक और खींच रहे हैं डिश को पीछे खड़े होके, तो कितना सिग्नल आ रहा है देखो, हल्का सा घुमाया तो यहाँ पे देखो लगभग यहाँ पे 78% सिग्नल मिलेगा यहाँ पे आप लोगों का, अगर आप यही टीपी डालते हो, ठीक है। ये देखो लगभग सारे टीपी में मेरा सिग्नल आ गया, ये बीच में आता है, दोनों सैटेलाइट का बीच में आता है ये सारे के सारे टीपी का सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना सेट के अलावा और कोई सैटेलाइट का सिग्नल हमें नहीं मिला, चाइना सेट बोलो जी सेट 7 बोलो, बीच में जो सैटेलाइट आता है, हम NSS-6 का बात नहीं करेंगे, वो पेड है, उसका टीपी हमने यहाँ पे नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग सारे टीपी में यहाँ पे सिग्नल आ गया, यहाँ पे और कोई सैटेलाइट नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, ब्लाइंड स्कैन करेंगे, टीवी का चैनल जो है हमने डिलीट कर दिया आपके सामने ही देख सकते हो, हम यहीं पे स्कैन करके दिखाएंगे। अभी कोई भी सैटेलाइट में जाके आप कर सकते हो, ये केयू बैंड का सैटेलाइट होना चाहिए, 78% सिग्नल आ गया और इसे हम अभी ब्लाइंड स्कैन करेंगे। हमें 10 चैनल मिला है दोस्तों और 2 रेडियो चैनल मिला है, ठीक है, हम इसे अभी सेव कर दे रहे हैं और आप लोगों को सामने ये एक एक करके चला के दिखाएंगे। ये देखो पहले में जो आ रहा है VBS न्यूज़ बोल के एक चैनल आ रहा है, यही चैनल दोबारा फिर से 2 नंबर चैनल में भी आ रहा है, देख सकते हो दोस्तों। तो क्या आप इसे चाइना सेट बोलते हो, या बताओ चैनल 1 बोल के एक चैनल आ रहा है, यहाँ पे टिपिकल लोगों के नीचे आएगा आपका पेस बोल के एक आएगा, देखो ग्रीन या देखो ब्लू में पेस बोल के एक निशान आ रहा है, हम लोग इसे पेस फेडिस भी बोलते थे, जी सेट 9 जो 97.5 डिग्री में आता है। उसके अलावा और कोई यहाँ पे टीपी नहीं था, जैसे कि चैनल आ जाए यहाँ पे देखो और एक चैनल मिलता है, ठीक है,
और हम आगे के देखेंगे नए नंबर चैनल में क्या मिल रहा है हम लोगों को। ये देखो यहाँ पे, ये देखो 10 नंबर चैलेंज में हम लोगों को मिला टीवीएम, मतलब के टीवी ऑफ मालदीव। बाकी कोई चैनल यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे चैनल यहाँ पे 1 से 10 नंबर तक ही है, और कोई चैनल है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा ही चैनल मिला। आप लोग जिसे चाइना सेट बोल के टीपी देखते हो, वही टीपी हमने डाले हैं। यहाँ पे कितना सिग्नल आ रहा है आप लोगों को वो भी दिखाया, और कितना चैनल लिस्ट है वो भी दिखा दिया। ठीक है, देख सकते हो 78 लगभग सिग्नल आ रहा था। और डिश का जो पोजीशन है आप लोगों का, जो एशिया सेट 5 है उसका थोड़ा सा डाइन है, और डीडी फ्रिज से बहुत सा बाय। ठीक है, और इसमें ज़्यादा चैनल हम लोगों को नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, चलिए फिर से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ज्यादा चैनल हम लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? 98 डिग्री में चैनल सेट 11 में तो लगभग 75 से भी ज्यादा फ्री टू एयर चैनल है, तो क्यों नहीं मिला? दोस्तों इस सैटेलाइट में चैनल हम लोगों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो इसका जो बीम है, इंडोनेशियन बीम में इसका 75 जो फ्री चैनल है वो चलता है, और इंडोनेशियन बीम इंडिया में बिल्कुल ही कवर नहीं करता, ये पूरा इंडोनेशिया में कवर करता है, और ये सारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंडोनेशियन चैनल है। तो दोस्तों यही एक प्रॉब्लम है कि आप चाइना सेट का टीवी डाल देते हो तो आपको तो चैनल क्यों नहीं मिलता है दोस्तों। और चाइना सेट 11 का और एक बात है, इसका साउथ ईस्ट जो बीम है वो इंडिया में कवर करता है, इंडिया के आसपास जो कंट्रीज है वहां पे भी इसका कवरेज है, मगर हम लोगों को जो चैनल में वो तो पेस फिलीज का चैनल था और दूसरा कुछ और भी चैनल था जो 97 में आता है, तो 97-98 तो बिल्कुल पास ही हो गया, तो इसलिए चैनल आप लोगों को नहीं मिलता है। वैसे हम लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर जो 75 से भी ज्यादा फ्री टू एयर चैनल है चाइना से डिवेल में वो सभी इंडोनेशियन बीम में है, और इंडोनेशियन बीम इंडिया में बिल्कुल कवर नहीं करता। तो दोस्तों आप लोगों को क्यों ज्यादा चैनल नहीं मिलता है यही था इसका वजह। ऐसा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको डीटीएच टाइप का वीडियो में इंटरेस्टेड है, आप इस तरह का वीडियो पसंद करते हो, और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरा नंबर तो है ही व्हाट्सएप में, आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। अगली वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।